हमें लक्ष्मी यहाँ अपने घर में नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सिर्फ हमारी पोती, हमारी पारो यहाँ हमारे साथ रहे, हमारे सामने। सॉरी मैम, मुझे डर है कि जज साहब शायद इस बात के लिए तैयार हो। शायद जज साहब यही कहें कि अगर आप पारो को रखना चाहती हैं तो आपको लक्ष्मी को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब पारो की मर्जी जाने बिना ये फैसला नहीं करेंगे। और अगर पारो ने ये कहा कि मॉम डैड दोनों के साथ रहना चाहती है तो जज साहब अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे, और उस हिसाब से तो लक्ष्मी को भी यही रहना पड़ेगा, जो कि आप नहीं चाहती। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर आप पारो को रखना चाहती हैं तो आपको लक्ष्मी को भी रखना पड़ेगा। आप हमें समस्या नहीं समाधान बताइए, सोचिए कुछ लूप होल होगा जिसकी वजह से हमारी ये विश पूरी हो सके। आप लॉयर हैं, आप कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कीजिए, कोई सिचुएशन, कोई चीज, कुछ भी क्रिएट कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। मैम वो देखिए, ढूंढिए कुछ मजबूत और जल्दी। कोर्ट की हियरिंग बहुत जल्द होने वाली है। चलिए। हेल्प चाहिए? नहीं, मैं कर लूंगा। पता नहीं कैसे गिर गई, ठीक कर देती हूँ। क्या सोचने लगे? एक बात पूछूं? पूछो। तुम हमेशा सब कुछ सही करने के लिए तैयार कैसे रहती हो? सारा काम कर भी देती हो। जब भी किसी इंसान को तुम्हारी जरूरत होती है या वो मुश्किल में होता है, तुम हमेशा वहां पे उस वक्त मौजूद होती हो, हेल्प कर देती हो। लेकिन तुम्हें तब क्या हो जाता है जब बात हमारी होती है, हमारे रिश्ते की होती है? तुम एक अलग ही इंसान बन जाती हो। तुम वही क्यों नहीं रह सकती जो तुम असल में हो? तुमसे ना बात करना ही बेकार है ऋषि। तुम्हारी सुई हमेशा यही आकर अटक जाती है। अब तुम बात भी नहीं करना चाहती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें बात करनी है ना तो ऐसे कुछ भी बोल के मत जाया करो। बात करनी है तो करो, और नहीं करनी है तो शुरू भी मत किया करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक इंसान की जैसे बिहेव क्यों नहीं कर सकती? बार बार बदलती क्यों रहती हो? तुम पहले ये डिसाइड करो, तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो या प्यार करना चाहती हो। और तुम्हें लगता है कि ये डिसाइड करना बहुत ईजी है? नफरत और प्यार, ये दोनों ही इमोशंस, ये दोनों ही जज्बात कोई बहुत छोटे जज्बात नहीं होते। समझने में वक्त लगता है, बहुत गहरे और मजबूत जज्बात होते हैं। यस, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और हमारा रिश्ता ना तो मजबूत था और ना ही गहरा था, इसलिए शायद इमोशंस इतने अच्छे नहीं बन पाए, स्ट्रांग नहीं बन पाए। एनीवेज, यू टेक केयर। तुम कभी भी सच्चा और ईमानदार नहीं बन सकते। तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं सच्चा नहीं हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ। लग तो ऐसे ही रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वो सब सच नहीं, नकली है, दिखावा है, नाटक कर रहे हो तुम।